उदयपुर नामक एक गांव में अनुज नाम का एक डॉक्टर रहता था, जो बहुत ही नेक दिल और ईमानदार डॉक्टर था। जो भी गांव वाले उसके पास आते, वो सभी तंदुरुस्त होकर ही जाते। और ये रही आपकी दवाइयां बलवंत काका, देखना इन्हें खाकर आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर बाबू, मेरे पास तुम्हारी फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं काका, आप मुझे कुछ पैसे मत दीजिए। आप बस अपना शुभ हाथ मेरे सर पर रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, बस उतना ही बहुत है मेरे लिए। धन्यवाद बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही है, हमेशा खुश रहो बेटा। अनुज की बढ़ती तरक्की देख उसी गांव का एक और डॉक्टर रणधीर अनुज से खूब जलता, क्योंकि गांव के सभी लोग सिर्फ अनुज के पास ही जाते अपना इलाज करवाने। इस अनुज की तो ऐसी की तैसी, पूरे गांव को चुंबक बनाकर अपनी ओर खींच रखा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। इसकी वजह से मैं अपने क्लिनिक पर ताला क्यों लगने दूं? इसे ऊंचाई से गिराने का एक ही रास्ता है, गांव वालों की नजरों में इसे बुरा बना दूं, इतना बुरा बना दूं कि कोई इसके पास आए ही ना और सभी इससे नफरत करने लगे। डॉक्टर रणधीर एक चाल चलता है और वो डॉक्टर अनुज की दवाइयों में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे डॉक्टर अनुज के मरीज उन दवाइयों को खाकर अपनी जान खोने लगते हैं। अरे ओ डॉक्टर अनुज, तूने कौन सी गोली दे दी मेरी माँ को, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। हाँ अरे कलमुहे, तुझे शर्म भी नहीं आती क्या, लोगों को जान से मारते हुए? हाँ, नर्क में जाकर भुगतेगा तू तो, ये मेरा श्राप है तुझे। ये आप सब क्या बोल रहे हो, मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने हर एक मरीज को सही गोली ही दी है, कोई गलत दवा नहीं दी। मैं क्यों अपने ही मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करूं, मुझ पर भरोसा कीजिए। अरे क्या भरोसा कीजिए, गांव वालों, क्या तुम सब भी इसकी शक्ल को निहार रहे हो? अरे इस डॉक्टर को तो मार मार कर इसका भर्ता बना देना चाहिए, मारो इसे। हाँ, मारो इसे। सभी गांव वाले बेचारे बेकसूर अनुज की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रणधीर को बहुत खुशी मिलती है और वो बहुत खुश होता है। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, अब आएगा मजा। अब इसके पास गांव वाले तो क्या, एक मक्खी तक नहीं मटराएगी। अब सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी मेरे पास ही आना होगा। और वही होता है, अब सभी गांव वाले दवा लेने डॉक्टर रणधीर के पास ही जाते हैं और इस तरह रणधीर पैसे वाला होते जाता है। और वही अनुज के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। फिर वो एक दिन अपने दादाजी के उगाए हुए बगीचे में लौकी के पेड़ की लौकी तोड़ता है। बचपन में दादाजी हमें लौकी का हलवा बना कर देते थे, अब मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे तो है नहीं, इसीलिए मैं इन लौकी से हलवा बनाकर खा लूंगा। दादाजी ने इतनी अच्छी लौकी उगाई है, इस पेड़ की लौकियाँ तोड़कर मैं कई तरह की सब्जियाँ बनाकर खा सकता हूँ। अनुज अपने स्वर्गवासी दादाजी के लौकी के पेड़ से लौकी तोड़ता है और उसी लौकी से तरह तरह की सब्जियाँ बनाकर अपना पेट भरता। वो उस लौकी के पेड़ की खूब अच्छे से परवरिश भी करता, उनमें सुबह शाम पानी डालता। अनुज लौकी के पेड़ों की खूब सेवा करता और ऐसे ही एक दिन एकदम से पेड़ की सारी लौकी चमकने लगती है और अचानक से लौकी का पेड़ बोलने लगता है। अनुज, मैं एक जादुई लौकी का पेड़ हूँ। क्या तुम बोल भी सकते हो? पर ये कैसे हो सकता है, ये तो वाकई जादू ही हो गया। घबराओ मत, मैं एक जादुई लौकी का पेड़ हूँ और मैं 80 साल पुराना हूँ। अनुज, मुझ पर उग रही लौकियाँ कोई मामूली लौकी नहीं है, मेरी लौकियों को खाने से व्यक्ति को चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। और अनुज इतना ही नहीं, मैं तुम्हें धन दौलत भी दूंगा, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे छोटे से बड़ा किया है और उनके मुझ पर बहुत सारे उपकार हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं।
जादुई लौकी के पेड़ की ये सारी बातें सुनकर अनुज दंग रह जाता है। वो पेड़ उसे बहुत सारा सोना और पैसा देता है। धन्यवाद जादुई लौकी के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुज एक गांव वाला बनकर जादुई लौकी के पेड़ की लौकियां लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाता है और उन लौकियों को खाकर लोग ठीक होने लगते हैं। उन्हें चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो मिनटों में ही ठीक हो जाती है। धन्यवाद लौकी वाले बाबू, तुम्हारी लौकी को खाकर महीनों से बीमार पड़े मेरे पिताजी ठीक हो गए। उनकी तबीयत एकदम अच्छी हो गई है। हाँ हाँ, इस दुकान की लौकी को खाकर मेरी भांजी भी ठीक हो गई। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तुम्हारी इन लौकी के पीछे का राज क्या है जो यह सारी लौकी दवा बनकर असर कर रही है सभी पे? तभी अचानक एक ग्राहक अनुज को पहचान लेता है और सभी गांव वालों को बताता है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लौकी बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अनुज है। तभी रणधीर भी वहां आ जाता है और वह कहता है, इतनी मेहनत से मैंने इसकी दवाइयों में जहर मिलाया और इसकी वजह से सभी गांव वाले अपनी जान गंवाने लगे और ये सबकी नजरों में बुरा बना और फिर से इसने लोगों के साथ भला करना शुरू कर दिया। तभी सभी गांव वाले रणधीर की बातें सुन लेते हैं और सभी गांव वाले रणधीर को गुस्से से देखते हैं। तभी अचानक रणधीर को याद आता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, सभी गांव वालों के सामने सच बोल दिया, अब तो ये गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या इसका मतलब मेरे मासूम मरीजों की दवाइयों में तुमने ही जहर की मिलावट की थी? ये तुमने अच्छा नहीं किया रणधीर। गांव वालों मुझे माफ कर दीजिए, ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये ऐसी लौकी है जिससे बीमार लोग भी ठीक हो सकते हैं और इसीलिए मैं इन्हें कम दाम में आप सबको बेचने आया अपना वेश बदल कर, ताकि आप सब मेरी लौकियाँ खरीदें और बीमारियों से मुक्त हो जाएं। डॉक्टर अनुज आप सच में महान हो, आपके साथ हमने कितना बुरा बर्ताव किया लेकिन उसके बावजूद भी आपने हम सबकी भलाई ही चाही। आप तो हमारे हीरो निकले डॉक्टर अनुज, इस कहानी का असली विलन तो ये घोंचू चप्पड़ गंजू डॉक्टर रणधीर है। कितना बेवकूफ है ये डॉक्टर रणधीर, खुद का सच खुद ही सबके सामने अपनी जुबान से उगल दिया। अब तो इसकी अच्छे से आरती उतारेंगे हम सब, मारो इसे सब मिलकर। सभी गांव वाले मिलकर रणधीर की खूब पिटाई करते हैं और रणधीर दुम दबाकर गांव से भाग जाता है और सभी डॉक्टर अनुज की जय जयकार करते हैं। राजेंद्र और लता दो गरीब बूढ़े व्यक्ति तेजपुर नाम के एक गांव में अपने इकलौते बेटे अनंत संग रहते थे। अनंत की एक छोटी सी बर्तन की दुकान होती है जहां पर बर्तन बेचकर अनंत अपना और अपने माता पिता का पेट पालता। अनंत अपने माता पिता लता और राजेंद्र से बहुत प्यार करता है। माँ पापा कहाँ हो आप लोग, मैं दुकान से आ गया। आ गया बेटा, चलो अच्छा ही है, जल्दी आ गया आज, वरना तेरे इंतजार में सारा खाना ठंडा हो जाता है। आज तेरी पसंद का खाना बनाया है। अरे वाह माँ, आज तो खाना खाने में बड़ा ही मजा और स्वाद आने वाला है। मैं भी आप दोनों के लिए कुछ तोहफा लाया हूँ। ये रही आपके लिए साड़ी माँ, और पापा आपके लिए ये कुर्ता। लेकिन अनंत बेटा, बिन तीज त्योहार के ये तोहफे क्यों, क्यों खामखा पैसे लगा रहा है बेटा? आप दोनों की खुशी के आगे मेरे लिए कोई और खुशी मायने नहीं रखती, इसलिए इन्हें अपनाइए। आप दोनों के चेहरों पर आई हुई ये मुस्कान ही मेरी कमाई है। अनंत बड़ी ही ईमानदारी से मेहनत करता और दुकान संभालता, पूरा गांव उसी के यहाँ से बर्तन लिया करता। भाई ये ऐसे चम्मच मिलेंगे क्या इस डिजाइन के? जी क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, रुकिए मैं अभी निकाल कर देता हूँ। मुझे ना एक बड़ी सी हलवाई वाली कढ़ाई दे दो। अनंत अपने दुकान पर आए ग्राहकों से भी बहुत अच्छे से बात करता, बिना किसी घमंड या अकड़ के। कोई बुजुर्ग अगर चार बातें सुना दे
तो चुपचाप सुन लेता। पूरा गांव उसके इस नेक और सरल व्यवहार की तारीफें करते। लेकिन एक दिन जब अनंत दुकान बंद करके रात को अपने घर को लौट रहा था, तभी अंधेरे में अचानक एक गाड़ी तेजी से आती है और अनंत को ठोक कर चली जाती है और अनंत वहीं पर गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अनंत के जाने के बाद लता और राजेंद्र एकदम बेबस और बेसहारा हो जाते हैं। मेरा बेटा, अब मैं क्या करूं? कहां चला गया मेरा बच्चा? अनंत बेटा, आ जाओ ना वापस, अनंत। राजेंद्र और लता बिलख बिलख कर रोते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अपना पेट भरने के लिए उन दोनों को ही दुकान चलानी पड़ती है और अब राजेंद्र और लता ही बर्तन की दुकान पर बैठते और दुकान चलाते। दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक दिन अचानक दुकान के अंदर दो चोर घुसते हैं और सारे बर्तनों और तिजोरी के सारे पैसों को चुरा कर ले जाते हैं। और अगली सुबह जब राजेंद्र और लता अपनी दुकान का सामान और तिजोरी के पैसों को गायब देखते हैं, तभी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो दोनों बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? तिजोरी भी खाली है और दुकान में एक बर्तन तक नहीं बचा। न जाने किस कलमुहे ने ये सब किया। अब हम क्या करेंगे राजेंद्र जी? इस बुढ़ापे में हम अपना पेट कैसे पालेंगे? राजेंद्र और लता दोनों रो ही रहे होते हैं कि तभी राजेंद्र की नजर दुकान में पड़ी एक थाली पर जाती है जो बहुत चमक रही होती है। और तभी लता और राजेंद्र उस थाली को देखकर कहते हैं, ये क्या? ये थाली यहाँ कैसे आई? ऐसी थाली तो हमारे दुकान में पहले कभी थी ही नहीं। फिर ये यहाँ किसने रखी है? मैं भी यही सोच रही हूँ राजेंद्र जी। राजेंद्र और लता उस थाली को अपने घर ले जाते हैं और लता राजेंद्र को उसी थाली में रोटी परोस कर देती है। लेकिन जैसे ही लता उस थाली में एक रोटी रखती है, वैसे ही फौरन उस थाली में एक की जगह 50 रोटियां आ जाती हैं। ये देखकर राजेंद्र और लता दोनों दंग रह जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया जी, ये एक रोटी थी और अब इतनी सारी रोटियां। हाँ लता, एक मिनट। राजेंद्र अब उस थाली में एक सोने का सिक्का रखता है तो उस थाली में 50 सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही लता और राजेंद्र उस थाली में जो भी डालते वो 50 गुना और बढ़ जाता। लता, मुझे लगता है कि ये थाली कोई मामूली थाली नहीं बल्कि एक जादुई थाली है। इसमें हम जो कुछ भी रखेंगे वो 50 गुना ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। ये तो साक्षात भगवान का ही चमत्कार है। हम बेसहारा हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद के लिए ये थाली भेज दी। राजेंद्र और लता दोनों उस थाली को पाकर बहुत खुश होते हैं। अब राजेंद्र ऐसे ही उस थाली में पैसे रखता और उन्हें 50 गुना ज्यादा बढ़ा बढ़ा कर वो अपना एक बड़ा सुपरमार्केट स्टोर खोलता है जिसमें सारा सामान मिलता है उस जादुई थाली की मदद से। राजेंद्र और लता के जीवन का रहन सहन भी पूरी तरह बदल जाता है। वो दोनों अब एक बड़े बंगले में रहने लगते हैं और जादुई थाली के जरिए बहुत सारा पैसा कमाते हैं और गरीबों की भी बहुत मदद करते हैं। एक दिन जब उन्हें मिलने राजेंद्र का भाई कचौड़ी नाथ आता है, तभी वो बंगले के बाहर से ही लता को उस थाली में कुछ पैसे रखकर उन्हें 50 गुना ज्यादा बढ़ते हुए देख लेता है। अच्छा, तो इन दोनों की इतनी सफलता का ये राज है। अब तो ये जादुई थाली मेरी ही होकर रहेगी, वो भी हर हाल में। कचौड़ी नाथ घर आकर लता और राजेंद्र से मिलता है और फिर चालाकी से वो उस जादुई थाली को चुरा कर वहां से अपने घर ले आता है। हा, अब बारी है कचौड़ी नाथ के करोड़पति बनने की। मेरी तिजोरी में नोटों का बंडल रखा हुआ है, अब मैं उस बंडल को इस थाली में रख दूंगा और फिर ऐसे 50 बंडल प्रकट हो जाएंगे। हा, 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 हा।
उतावला होकर कचौड़ी नाथ पैसों के बंडल को जादुई थाली में रखता है। तभी अचानक से उसके पैसों का बंडल गायब हो जाता है और ये देखकर कचौड़ी नाथ बहुत घबरा जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। अरे ये क्या, मेरे नोटों का बंडल कहाँ चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर लता और राजेंद्र आते हैं, उस थाली को अपने पास लेकर कहते हैं, भाई साहब आपने ये बहुत गलत किया, आप जैसे पापी इंसान को भगवान क्या देगा? अरे आपके पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी आपको और पैसों की चाह है, इतना लालच है आपको, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। तुझे क्या लगा कचौड़ी नाथ, तू हमारे बंगले में आकर हमारे ही नाक के नीचे से इस थाली को चुरा कर ले जाएगा? वो तो अच्छा हुआ जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए हमें पता चल गया। मूर्ख लालची आदमी, आइंदा से फिर कभी भी अपनी शकल मत दिखाना हमें। राजेंद्र और लता वहाँ से चले जाते हैं और जादुई थाली का इस्तेमाल करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।